हाँ तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि आज 10 सितंबर 2018 सोमवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते कांग्रेस ने बीजेपी सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध आज भारत बंद रखा था। तो क्या आखिर भारत बंद रहने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, और हुआ तो किन किन राज्यों में हुआ, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी और खबर का अपडेट आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों कई राज्यों में यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छी और खुशखबरियां हैं। तो अगर आप भी उन राज्यों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरियां हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और उसका भारत बंद का असर जो है देखने को मिला। आप इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि हम आपके राज्य के बारे में भी पेट्रोल डीजल को लेकर क्या खबर चल रही है वो आप तक पहुंचा सके। और साथ ही दोस्तों कमेंट करके आप जीत सकते हैं डीएलएस स्विच की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल्स गैजेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे एनडीटीवी खबर की तरफ से अपडेट लगाया गया है कि तो कांग्रेस शासित 3 राज्यों में सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। वही hindustan.com की तरफ से देख सकते हैं राहत, इन 2 राज्यों में जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। वही एक राज्य की सरकार ने दोस्तों पेट्रोल डीजल के वेट यानी कि स्पेशल टैक्स में 4% की कटौती की है, जिससे वहां पर पेट्रोल डीजल जो है 2.5 रुपए तक सस्ता हो चुका है। तो ये खबर और अपडेट बताते हैं आपको किन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। इससे पहले दोस्तों अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपको वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन फटाफट से उस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लेना, और पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन, उसे भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 2 राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खबर और अपडेट आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने हर किसी की जेब पर बोझ डाल रखा, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे इनको थोड़ी राहत मिल सकती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को जानकारी दी कि पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि यहां पर मूल्यवर्धित कर यानी कि वेट टैक्स को कम करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रहा है, राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट को घटा दिया, जिससे यहां पर पेट्रोल डीजल जो है 2.5 रुपए तक सस्ता हो चुका है। फिलहाल पेट्रोल डीजल सस्ता होने की भारत बंद के बाद यही खबरें हैं। अगर और कोई खबर या अपडेट आएगी तो हम आपके साथ डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर शेयर करेंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली काम की खबरों को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट काम की खबर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।